बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि धावा का जो NKB है 1000, इस पे PTZ को किस तरह से ऑपरेट करते हैं हम। ठीक है, ये जो है ना बिल्कुल एक तरह से फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश से मुराद ये है कि रीसेटेड है, इसकी सारी सेटिंग रीसेट के ऊपर है और IP भी रीसेट है। और इसकी जो आफ्टर अपडेट जो है ना, नया वर्जन भी मैं दिखा देता हूँ कौन सा है नया वर्जन। और वर्जन अपडेट करना NVR 5 4.0 और XVR 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नया वर्जन पे अपडेट करें, वरना नहीं चलेगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना एंटर के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ये कहता है यूजर नेम पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर एडमिन होता है और पासवर्ड होता है 8888888। एंटर, ये दो फंक्शन दे रहा है। जोन कंट्रोल में आप किसी भी जोन को अगर कॉल कराना है तब आप इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमने अभी कोई जोन ही नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो मेन्यू सेटिंग में जाते हैं। इसमें जो है ना डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस के जो पैरामीटर्स हैं वो अवेलेबल है, सिस्टम है। सबसे पहले याद रखें कि नया फर्मवेयर पे जब आपने अपडेट करना है, फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करेंगे तो सिस्टम में जाएंगे और जो है यहाँ पर टाइम नेटवर्क नेटवर्क DHCP बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक हो गया। और जो इसका IP एड्रेस है, अभी हम सेम नेटवर्क जो हमारा नेटवर्क चल रहा है वो है 10 10 10, और साथ में हम दे देते हैं 232। ठीक है, और गेटवे हम दे देते हैं जो हमारा ए क्लास का होता है 0 0। ठीक है, और इसका गेटवे देते हैं 10 10 10 1। ठीक है, पोर्ट यही रहने देने डिफॉल्ट, सक्सेसफुल। और उसके बाद एक और ऑप्शन इसमें आपको नजर आएगा जिसका नाम है लॉग इन मोड। ये बाय डिफॉल्ट होता है सेफ मोड पे, इसको आपने करना है कंपैटिबल मोड पे, तब ये चलेगा। ठीक है, कंपैटिबल मोड में लाजमी करना है आपने। एंटर, ये कहेगा दिस इज रिस्की लेकिन हो गया। ठीक है, ये क्यों करवाया कि जो है ना थर्ड पार्टी डिवाइसेस जो ऑन विफ की होती हैं या जो हमारे जो DVRs और NVR नहीं कनेक्ट हो रहे थे तो वो पुराने मोड में होते हैं ना, सेफ मोड नहीं होता उनमें, सिक्योरिटी नहीं होती, तो कंपैटिबल मोड में वो सिर्फ हमारे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद अब आ जाते हैं हम वापस पीछे। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है जोन अकाउंट कॉन्फिग। ठीक है, और जो है इसके अंदर और ऑप्शन है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो में आप जो वर्जन देख सकते हैं, ये अपडेटेड वर्जन है 21/2/2020। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है। 4.0 जो जितने भी नए PTCs हैं और जितने भी XVR और NVR के नए वर्जन है 4.0, वो इस वर्जन के साथ कंपेटेबल है, पुराने 2018 वाले के साथ कंपेटेबल भी नहीं है। ठीक है, इससे पहले मैं अपडेट कैसे करना है वर्जन को उसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा से हम जोन बनाते हैं। जोन में क्या क्या चीजें होती है, आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आप जिससे कॉल कराओगे PTZ को। आप हर PTZ को IP तो नहीं याद रख सकते ना, तो उनकी IDs आप रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आईडी है हमारी, मैं चाहता हूँ कि 1 ID रखूँ इसका नाम, और नाम जो है इसका वो रखते हैं जी, शिफ्ट दबाता हूँ तो ये ABC में आ जाता है। इसका नाम मैं रखता हूँ डावा, DAHUA, सॉरी। अच्छा, इससे जो है ना कंट्रोल करता हूँ, जॉयस्टिक को आगे पीछे करता हूँ तो ये रिमूव होता है। ठीक है, UA, और साथ में मैं दे देता हूँ 7 7 करना है तो शिफ्ट दबाऊंगा और ये 7 डिजिट आ गया। ठीक है, और टाइप में जो है ना आपके पास DVR है, SD है, DVM है, NVR है, मैट्रिक्स जो आपकी होती है कंट्रोलर, NVMS है, ठीक है, NVD है, और मैट्रिक्स AB है, STSO है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हम कर रहे हैं डायरेक्ट PTZ कंट्रोल। ठीक है, तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, SD। SD के बाद हमने क्या करना है, लिंक। लिंक क्या होता है कि कौन सा RS-485 से कनेक्ट कर रहे हो या नेटवर्क से, नेटवर्क पे हमें। ठीक है, उसके बाद हमने देना PTZ का IP एड्रेस 10 10 10, और उसके बाद जो है PTZ का 24। ठीक है, उसकी पोर्ट यही है Step 8, स्पीड है ये बेसिकली स्टेप। ठीक है, और उसके बाद रूल के अंदर DH2 ONWIF ये DH2, ये दो रूल है, DH2 इज फॉर दावा, ONWIF इज फॉर थर्ड पार्टी PTZs। ठीक है, लेकिन ये याद रखे, ONWIF अगर आप यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी PTZ, उस पर ONWIF का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। ठीक है, और मोस्ट केसेस में आप ये भी कर सकते हो कि इनेबल भी है फिर भी नहीं चल रहा, तो उसका ये होता है स्पेशली हाइकविजन और यूनिव्यू में, उसमें ONWIF का यूजर अलग बनाना पड़ता है, अलग से
वो फिर उससे ऑथेंटिकेट होता है। तो आप जब ऑनविफ सेलेक्ट करोगे यहाँ पर थर्ड पार्टी पीटीसी, तो आपने क्या करना है उधर पीटीसी या जो कैमरा है उसका, उसके अंदर जो है इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल में जाके आपने ऑनविफ को एक तो इनेबल करना है और एक ऑनविफ का यूजर बना दें, ठीक है, उस यूजर से आपने इसको लॉग इन करना है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आ गया एडमिन यूजर, इसका जो पीटीसी का हमारा है अभी धावा का पीटीसी है। पीडब्ल्यू का मतलब है कि जो है पासवर्ड, एडमिन हुआ है 123 मैंने रखा है इसमें, अगर पीछे करना है तो हम पीछे दोबारा कर सकते हैं पासवर्ड कोई भी, ठीक है। और जो है मैंने ये आईडी रख ली और हर चीज रख दी, आईपी रख दिया और आईडी रखी 1, एंटर किया, ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक। अब मैं जाता हूँ जोन कंट्रोल में, यहां पे मुझे देनी आईडी कि किस आईडी को मैंने कॉल करवाना है, 1 किया और एंटर किया, ये अब कनेक्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया। अब जो है हमने क्या करना है, मूव करना है वो पीटीसी दिखा दो, वो पीटीसी सामने यूं जी। अब जो है मैं राइट लेफ्ट करता हूँ, ये मूव हो रहा है नीचे जो है इधर, ये उधर मूवमेंट भी हो रही है और इधर जो है ना आपकी जॉयस्टिक भी, ठीक है, राइट लेफ्ट है। और इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जूम होता है, और जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये वाइड एंगल होता है, ठीक है।